मैं भी आपको बताना चाहता हूँ अपने डांस कार्निवल के बारे में कि डांस कार्निवल स्टार्ट कैसे हुआ। ये हमारा सीजन 4 है और फर्स्ट सीजन में हमने डांस कार्निवल स्टार्ट किया था कि हम हर समर के एंड में अपने बच्चों को परफॉर्म करवाते हैं, एक स्टेज देते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। और सीजन फर्स्ट में वी हैव ओनली 25 स्टूडेंट्स, दे हैड परफॉर्म ऑन स्टेज एंड वो हमने अपने स्टूडियो के अंदर ही किया था। वी हैड नॉट द प्रॉपर स्टेज टू परफॉर्म, हमारा स्टूडियो ही था जिसमें हमने परफॉर्म करवाया था। बट इन सीजन 2 हमारे पास थोड़े और बच्चे आए जिनको डांस कार्निवल के बारे में पता चला, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने परफॉर्म किया और काफ़ी इन्जॉय किया। एंड सीजन 3 आया, सीज़न 3 उससे भी बड़ा ग्रैंड हुआ और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, एक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए, स्टोरी बेस्ड एक्ट हुए। एंड नाउ वी आर इन सीज़न 4। सीज़न 4 में क्या अलग है? सीज़न 4 में काफ़ी सारी चीज़ें अलग है। फर्स्ट थिंग इज के जैसा हमारा टैगलाइन है, एनीवन कैन डांस इस बार, क्योंकि ये है सीज़न 4। कुछ स्टोरी बेस्ड एक्ट है, लाइक हम एक गैस ट्रेजेडी के ऊपर एक्ट है हमारा, हम वो डेडिकेट कर रहे हैं भोपाल की ऑडियंस को, जो गैस ट्रेजेडी हुई थी तो उससे क्या हुआ था, लोगों की लाइफ कैसे यू नो एक रात में ही चेंज हो गई थी। एक एक्ट है हमारा जो कि शिव तांडव है, शिव जी के ऊपर बेस्ड है वो एक्ट है। एंड एक हमारा एक्ट है जो कि मॉम्स को हम डेडिकेट कर रहे हैं, जो मम्मियाँ होती हैं हमारे यहाँ, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, उनकी मम्मियाँ उनको छोड़ने आती हैं, वो काफ़ी एक एक घंटा डेढ़ घंटा वेट करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना उन मम्मियों को लेकर भी हम एक, उन मॉम्स को लेकर भी हम एक एक्ट डिज़ाइन करें, तो वो हम एक एक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। बट ये फर्स्ट टाइम है डांस कार्निवल में आर्ट स्टूडियो की तरफ से, सारे ही बच्चे आर्ट स्टूडियो के हैं जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म करेंगे और उन वो हैं अबव 100। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। हमारे टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की हुई है सारे एक्ट्स के ऊपर, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की हुई है, पिछले एक महीने से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है इस पूरी जर्नी के दौरान। तो आई एम सो एक्साइटेड कि स्टेज पर क्या होने वाला है, एंड आई एम डैम श्योर कि बहुत ही अच्छा होगा। बड़ी हम उसे बस दो कदम पे देखो जीत घड़ी, हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं, हाँ मैं हूँ उस देश का। तू बैठ के ले नजारा स्क्रैबल और बेस का, सीधा चलू या चलू ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं जम के पकड़ झाड़ दूंगा, हजको मैं उखाड़ दूंगा, जहाँ से तू आया है ना वही तुझे गाड़ दूंगा, तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा।
सुजलाम सुफलाम मयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे थैंक यू सो मच भोपाल, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट. आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, उन्हें शेयर करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं. कीप डूइंग दिस, हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें, देखते रहें और डांस करते रहें. जब भी आप डांस के बारे में सोचें तो आर्ट स्टूडियो के बारे में ज़रूर सोचें. थैंक यू सो मच.